शालिनी पांडे। चलिए रुक करते हैं आप खबरों की ओर। खबर और जिले से है जहां के भैरुंदा में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी द्वारा शुक्रवार को कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि मतदाता पर्ची हर घर तक पहुंचाएं और मतदाताओं को अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इसी के तहत उन्होंने सभी कर्मचारियों को निर्देशित भी किया, हर कर्मचारी द्वारा 10 परिवार को अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि जिस कर्मचारी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराई जाएगी उन कर्मचारियों को मतदान बाद निर्वाचन आयोग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, निर्वाचन आयोग बहुत सीरियस है कि मतदाता जो है घर से नहीं निकल रहे हैं, मतदान अधिक से अधिक हो। इसके लिए हमारे जिले के कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीप प्लान के अंतर्गत एक बैठक भी भैरुंदा में ली थी और हम अब छोटे छोटे टुकड़ों में आज हमने NULM की जो के अंतर्गत जो समूह की महिलाएं हैं उनको और आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं को बुलाया है। हमारे पास 500 वर्कर हैं शहर के अंदर, भैरुंदा शहर में 500 लगभग 5000 परिवार हैं हमारे यहाँ। तो 10-10 परिवार एक एक महिला को हम देखे उनको प्रभारी बना रहे हैं कि आप उन घरों में जाकर लोगों को प्रेरित करें और मतदान के लिए उनको भेजें, ये सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने मतदान किया। इसके ऐसा करने से हमारा हम अभी 100% टारगेट की तरफ बात कर रहे हैं कि 100% लोग मतदान करें। उसमें से मैं समझता हूँ कि 90% लोग तो कम से कम आएंगे ही जो हमारे पास भैरुंदा में उस समय उपलब्ध होंगे। तो इस तरह से हम ग्रामीण क्षेत्र में भी ये करने वाले हैं कि जो NRLM की जो समूह हैं उनकी महिलाएं हैं उनको और बाकी आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं के माध्यम से अधिक लोगों को घरों से निकाल कर और मतदान कराएंगे। और हमारा टारगेट है कि 90% से अधिक हम वोटिंग करें।